करीम का पहला श्राप रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा दोज़ की आग से निजात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर में गिनती के हिसाब से नवा महीना है और ये निकला है रम से। रमज़ का मतलब यानी गर्मी से चलना, क्योंकि इब्तदाई दौर था तो जिस हिसाब से मौसम होता था उस हिसाब से जी महीनों के नाम रख दिए जाते थे। तो चूँकि उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो गर्मी के हिसाब से रमज़ से इसका मतलब निकला, यानी गर्मी से चल जाना। ये वो महीना है जिसके आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर मिलता है और एक पड़ा गया फ़र्ज 70 फ़र्ज का सवाब मिलता है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मफ़रत और तीसरा दोज़ख की आग से निजात का अशरा है। ये वो महीना है जिसमें रात के क़याम में एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलती हैं। रमज़ान करीम में रखे गए पहले रोज़े से इंसान के पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये वो महीना के लिए सारा साल जन्नत को सजाया जाता है। रमज़ान के मतलब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है कि काश मेरी उम्मत रमज़ान के मतलब जान जाती कि ये क्या चीज़ है, तो वो पूरा साल रमज़ान का मानती। रमज़ान सफ़र और मसावात का महीना, ये वो महीना जिसमें मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में रोज़ा अफ्तार कराने वाले की मगफ़रत की जाती है। रमज़ान में कब्र के सवालात नहीं होंगे। ये वो महीना जिसमें रोज़ादार का सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। ये वो महीना रमज़ान जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान करीम में रमज़ान का किया गया। रमज़ान करीम के हर जुमा में 10 लाख लोगों को जहन्नम से रहाई दी जाती है। ये वो महीना जिसमें मरने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई है। रमज़ान करीम में एक कैसी भी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसे लैलतुल कद्र भी कहा जाता है। लैलतुल कद्र में की गई इबादत 1000 महीने के बराबर है। ये वो महीना रमज़ान जिसमें कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नज़ूल हुआ। ये वो महीना रमज़ान करीम जिसके आखिरी 10 दिनों में एतकाफ करना सुन्नत है। कुल मिला के रमज़ान रहमतों, बरकतों और मगफ़रत, सब्र, शुक्र, तकवा, मसावात का महीना। इतनी खुश नसीब है नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत जिसमें रमज़ान का महीना और रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज किए गए। रमज़ान में पड़े गए एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर दिया जाता है और एक नफल का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर कर दिया जाता है। बदबख्त है मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान करीम को पाए और रोज़ा, नमाज और नफल कुरान की तलावत के साथ अपनी पब्लिस का सामना बना सके। और कितना खुश नसीब हम सब दिन का टाइम रोज़ा, नमाज, कुरान की तलावत और शाम को तरावी और रात को नफल के साथ अपनी मफरत का सामान बना सके। कितना खुश नसीब आए मिल के ये अहद करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती होते हुए रमज़ान करीम में नमाज, कुरान की तलावत, नफल और तरावी के साथ अपनी बख्शिश का सामान ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आए वीडियो तो मेरे चैनल का मैंशन अपने दोस्तों को लाजमी कीजिएगा। खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।